थैंक यू फॉर हैविंग मी। जाने से पहले आपने कहा था मैं घर के अंदर मम्मी के हाथ का खाना मिस करूंगा। आने के बाद क्या क्या खाया? आने के बाद कुछ भी नहीं एक्चुअली ज्यादा खाया, बिकॉज अभी मुझे वीडियो शूट्स करने काफी अच्छा। मैंने कुछ लगभग 10 से 15 किलो वजन कम कर दिया है सिंस आई हैव गॉन इनटू द बिग बॉस हाउस 1.5 मंथ्स में, तो अभी मुझे थोड़ा शेप में आना है वापस। उस कारण से मैं यू नो आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माय एवरीथिंग डाइट एंड ऑल, तो अब तक तो कुछ नहीं खाया, 2 हफ्ते बाद जमकर खाऊंगा। वजन के साथ साथ बाल भी बहुत आपने कम कराए थे, सर के भी इधर के भी, मतलब खूब अच्छे से टॉर्चर तो हुआ है। टॉर्चर बहुत हुआ है, बालों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, कभी साइड से, कभी दाढ़ी, कभी पूरा सब। सो एक्सपेरिमेंट काफी किया है मैंने अपने लुक के साथ बिग बॉस में, बट टास्क थे, चैलेंजेस थे, करना पड़ा, कर लिया, एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फेयरली गुड नाउ, सो नो नथिंग, नो प्रॉब्लम्स, ऑल गुड, ऑल गुड। तो जान, निकल के आपने अपने शोज एब्सोल्युटली देखे होंगे, अभी क्या तक सबसे बिल्कुल नहीं पहले देख पाया मैं क्या अब बात तक कर रहे हो? बिल्कुल मैं बिल्कुल भी एक एपिसोड अब तक मैं नहीं देख पाया हूँ पूरा, बिकॉज आते साथ साथ इंटरव्यूज लाइन अप हो गया एंड काफी वर्क, आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई हैव कम, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, सो मैंने अब तक एपिसोड्स नहीं देखे। मैं एक एक हफ्ते का फुल ब्रेक लेकर कहीं गायब हो जाऊंगा और फिर मैं उसको बैठकर फुल सीजन मैं देखना चाहता हूँ उधर, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी वॉट एवरीबडी सॉ। और वो देखना बहुत जरूरी है, तो आपको पता चलेगा कि क्या परसेप्शन क्या बना लोगों का आपके बारे में। एलिमिनेशन का एपिसोड देखा होगा? मैंने एलिमिनेशन वाला एपिसोड देखा, मगर वो बहुत फ्रेश मेरे दिमाग में था क्योंकि वो मेरे साथ तभी हुआ था, सो इट वाज वेरी वेरी फ्रेश इन माय माइंड, सो वैसा कुछ खास फर्क नहीं मुझे दिखा जो हुआ और जो टेलीकास्ट हुआ उसमें, मगर जो चीज़ें मेरे कानों में आ रही है उससे मुझे ये साफ लगता है कि जो हुआ उस घर में उसका 1 ही घंटा आप लोगों को देखने मिला है, तो काफ़ी अलग परसेप्शंस और काफ़ी अलग इमेजेस बनी है मेरे बारे में विद द फैंस। तो जान, निक्की तो बहुत रोई, और मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब आप निकले और निक्की और सब रो रहे थे, तब मैं भी बहुत रोई थी एपिसोड देखते हुए। That's very sweet और of you, thank एलिमिनेशन ना ऐसा ही होता है कि कोई भी घर से जाए तो वो खालीपन ना एज अ ऑडियंस ना हमें भी फील होने लगता है। जी, यू आर वेरी राइट एक्चुअली, एंड आई थिंक सारे लोग आई थिंक बोल रहे हैं कि ये बिग बॉस का सबसे इमोशनल एलिमिनेशन अब तक का था, एंड इसका आई थिंक कारण यही होगा कि मैंने सब लोगों से उस घर में रिश्ते बहुत अच्छे बनाए थे, आई वॉज वेरी काइंड, वेरी कर्टियस टू एवरीबडी, एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वो चीज़ मेरे परवरिश का एक बहुत अहम हिस्सा है, एंड यू नो चाहे वो लव हो चाहे हेटरेड हो, कुछ तो कनेक्शन था हर एक घर वाले के साथ, सो वो जाने का जो एक दुख होता है वो तो हुआ ही, एंड रही बात निक्की की, तो हाँ वो मेरी एक अच्छी दोस्त रही है एक टाइम पे पहले, शी इज़ बिन अ वेरी गुड फ्रेंड, बट कुछ हफ्तों पहले उन्होंने जो बातें कही एंड यू नो जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया मुझ पर, उसके बाद वो दोस्ती बिल्कुल ही यू नो टूट सी गई। जाने से पहले सभी हम कंटेस्टेंट्स का ये होता है कि हम जिससे भी गिले शिकवे हो या कुछ ऐसा, हमें कभी फीलिंग आ जाती है कि यू नो मे बी द नेक्स्ट एलिमिनेशन इज़ मी, सो जिनसे भी जो गिले शिकवे हो सब ट्राई करते हैं कि यू नो एटलीस्ट मैंने किया कि जिनसे भी मेरे गिले शिकवे हो या कुछ भी यू नो अनबन हो वो मैं बातें क्लियर करके जाऊँ, सो उस हिसाब से निक्की के साथ भी मैंने बातें क्लियर की, एंड वो रोई मुझे, मैंने देखा वो एपिसोड, बट अगेन वो शेर आया वाली कहानी है कि अक्सर हमने निक्की को देखा है ये चीज़ें करते हुए एंड फिर उन्होंने वापस जाकर वही गलतियाँ दोहराई है, सो आई डोंट नो वेदर इट वॉज रियल और इट वॉज फेक, बट जो भी था निक्की के साथ इट वॉज गुड इन द हाउस, आगे का मुझे पता नहीं बिकॉज मेरी तरफ यू आर रियली वेरी मच हर्ट, क्योंकि आपका जो इमोशन था निक्की के लिए, हमें ऑनेस्टली लगा था कि आप वापस जो है निक्की से बात करने लग जाओगे, लेकिन अभी आपकी बात सुनके लग रहा है कि आप बहुत हर्ट हुए हो। मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ, बिकॉज एक फ्रेंडशिप को आप इतने गंदे डर्टी लेवल पर अगर आप गिरा के उस पर आप ऐसे दाग लगाओ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर आप 5 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम के लिए इतनी बड़ी बात को इतने आसानी से इतने किसी के यू नो ऊपर ऐसे दाग लगा कर बात कर दो, तो आप कुछ भी कर सकते हो आई फील, एंड ऐसे इंसान के साथ रहने में एक बहुत बड़ा रिस्क है,
आपके करियर, आपके इमेज को, जो मैंने इतने साल मेहनत कर कर एक चीज़ हासिल करने की कोशिश की है, जब सवाल उस पर उठे तो आई थिंक वैसी दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं बनता. एंड आई डोंट थिंक दैट इट विल बी पॉसिबल फॉर मी टू एवर कनेक्ट विथ निकी अगेन. ओ लेकिन आपको पता है पवित्रा ने आपका साथ दिया और जैस्मिन ने बोला कि निक्की फिर तुम्हारी नो नो क्यों नहीं लगती. और ऑनेस्टली मैं बताऊं, घर के वो लोगों ने जो आपका साथ दिया ना, इसलिए बाहर ऑडियंस ने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाए थे उस एपिसोड के बाद. एल्स नेशनल टीवी पर एक लड़के के लिए किसी लड़की का ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती. यू आर वेरी राइट. एंड आई थिंक वही था एंटायरली जो आपने अभी बोला. पवित्रा ने एक स्टैंड लिया, जैस्मिन ने भी बोला कि निक्की का जो था वो जो आपने बोला, घर में जो हो रहा था वो साफ सबको दिख रहा था. एंड जैसा पवित्रा ने बोला, ताली एक हाथ से नहीं बजती. तो आप अगर एक ऐसा टैग दे दो एक इतने अच्छे यू नो फ्रेंडशिप को, जो स्टार्टिंग से लेके अब तक काफ़ी झगड़ों को झेल चुकी है, काफ़ी अनबन झेल चुकी है, यू नो इट्स सर्वाइव्ड एंड बीन थ्रू अ लॉट माय फ्रेंडशिप विद निक्की. सो आप उस फ्रेंडशिप को इतने छोटे और इतने लो ग्रेड बात पर यू नो ख़त्म करना चाहते हो, तो आई थिंक मेरे तरफ से वो बात उधर ही ख़त्म हो जाती है. एंड जो बात पवित्रा एंड जैस्मिन ने कही, आई थिंक वो फुल देश देख रहा था. सो आई फील दैट यू नो समवेयर डाउन द लाइन एवरीबडी अंडरस्टूड दैट ये एक पब्लिसिटी टैक्टिक या यू नो एक बहुत ही बुरा मूव था निक्की की तरफ से, which ended in no consequence because इस बात में कोई सच्चाई थी नहीं. So I'm very glad that we perceived it. Sorry, sorry. आप में और राहुल में better singer कौन है? Certificate लेकर आए हो? ये हाँ, मैं सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ. ये बात पे आप थप्पा लगवा सकते हैं कि मैं बेटर सिंगर हूँ राहुल से, क्योंकि ये बात उन्होंने खुद कही है. मगर एक्चुअली it was just a task in the game, you know, to save Nikki. And Rahul ne dil bada rakh kar usne you know certificate sign karke de di. Magar baki ke time jo baki ki baat hai, matlab jo competition mein bhi maine unko haraya hai, usko agar aap ignore kare to I think overall still I'm the better singer than Rahul. Ab kabhi bhi jab bahar aaye na to Twitter pe aapko baar baar certificate dal ke uski lag to main to bahut baar dalunga, main usko tag karunga. maine to hoodies banwane hain. वो सर्टिफिकेट को मैं प्रिंट करके अपने स्टेज शोज पे जाके आई थिंक आई एम गोना बी मीटिंग राहुल. बट नहीं, इट वाज अ फन थिंग. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वी ऑल टुक इट इन अ वेरी गुड स्पिरिट. बिग बॉस ने उसके लिए डाटा भी हमें, क्योंकि हमें सबको ऐसा लग रहा था कि नॉमिनेशंस की प्रक्रिया हमने बहुत आसानी से हल्के में ली है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस जो थी वो हम हंसी मजाक में यू नो टाल रहे थे, एंड फिर हमें बहुत सॉलिड डांट पड़ी. सो राहुल ने तो वो साइन करके दे दिया निक्की के लिए. बट बात यही पर आती है कि जो टास्क में जीता वही अच्छा सिंगर है. सो आप राहुल कैसा है वैसे? जैसा हम देखते हैं वैसा ही है. एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा है ना कैसा दिख रहा है वो. मैं अगर एपिसोड देख रहा हूं तो आप बताइए कि घर के अंदर व्हाट यू थिंक अबाउट राहुल, क्योंकि बाहर इस तरह का बज है कि राहुल जो है वाकई में बहुत अच्छा खेल रहे हैं. उसकी स्ट्रेटजीज क्या है? राहुल की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये, आई थिंक मैंने जहाँ तक देखा, पर्सनली ऑब्जर्व किया इसको, वो ये था कि वो बहुत ओपनली पार्टीज बदलता है. वो अपने दोस्त मौका अनुसार चुनता है. एंड अगर उनका यूज़ वो देखता है कि यू नो अगर कोई सिचुएशन में उसको किसी का सपोर्ट मिल सकता है, तो वो बेझिझक होकर यू नो सामने जाकर बात करता है उस बारे में. आई थिंक फॉर अ गेम इट इज़ एन अमेजिंग स्ट्रैटेजी. Humanitarian level पर I don't think I can connect much with that you know that approach जो राहुल का है. But from a game point of view that's a very very good strategy. So I think जो उसके लिए चल रहा है वो यही बात है. And I think आगे तक यही बात उसको आगे तक लेके जाएगी definitely. तो आप उसको top 5 में देखते हैं? मैं top 5 में I think yeah I do see Rahul in top 5. I think yeah because अब तो एक बहुत अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है गेम. हाफ सीजन इज डन. एंड तरीके से राहुल का इमेज अब बनेगा वो थ्रू आउट द सीजन उसके लिए वही इमेज बनेगा. एंड नाउ दैट ही इज गॉट अ वेरी गुड इमेज अबाउट हिमसेल्फ आउटसाइड, आई थिंक ये चीज कंटिन्यू करेगा फाइनल्स तक. एंड आई थिंक आई डू सी हिम इन द टॉप 5. ओके, आप में और एजाज के वोट पे जो कम मार्जिन था, जो एक बार स्टेज पर बोल दी, मुझे लगता है कि एजाज जो है उसी के साथ सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं,
कल पूरा टाइम जो है नॉमिनेशन में कि मेरे और जान में बहुत कम मार्जिन है, वो 23 साल का लड़का है, मेरा एक्सपीरियंस उससे 15 साल ज्यादा है। हाँ 26 साल का लड़का। अच्छा मेरे को ओके, तो आपने वो देखा कि वो इनसिक्योरिटी है या बचने की भूख है, आपको क्या लगता है वो क्या ये है? एजाज भाई के बचने की भूख नहीं करना है, ये एजाज भाई के बचने की भूख है। आई थिंक जितना सीरियसली वो बिग बॉस गेम को लेते हैं उतना सीरियसली सिर्फ एक विनर ही इतने यू नो ये गेम को ले सकता है, बिकॉज एवरी थिंग इज लाइफ एंड डेथ फॉर एजाज भाई इन दैट हाउस। एंड जो उन्होंने बात करी मैंने कल सुना, एक्चुअली आज सुना, आई थिंक कल बोला ना अभिनव को कि भाई मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ और वो तो 26 साल का बच्चा है एंड फिर भी इतनी कम कोट्स, मुझे नहीं जाना। आई थिंक दैट इज हिज एंटायरली दैट इज हिज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो वो शो में हमको काफी बार देखने को मिला है। एंड इट इज अमेजिंग बिकॉज सिंस डे वन ही इज बिन दैट अग्रेसिव अबाउट हिज यू नो उनमें जो एक जुनून है वो शुरुआत से अब तक एक बार भी कुछ कम नहीं हुआ है, उनमें वही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मुझे दिखती है जो मैंने फर्स्ट डे पे देखा था। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है हंसी भी आती थी, मैंने अक्सर उनका बहुत उनके साथ बहुत खिंचाई भी की है कि यू नो आप थोड़ा काम डाउन हो जाओ, आप थोड़ा काम डाउन हो जाओ, बिकॉज वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं। एंड कल वही स्ट्रेस मुझे अपने ऊपर दिखा जब उन्होंने मेरा नाम लिया कि 26 साल का बच्चा। सो आई थिंक ही नीड्स टू काम डाउन एंड ही नीड्स टू ट्रस्ट हिज फैंस, क्योंकि उनके बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर बाहर एंड वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी बार से सपोर्ट करते आ रहे हैं। सो ही शुड जस्ट टेक इट ईजी विथ हिज ओन हेल्थ, बाकी गेम के बारे में उनको जितना सोचना है सोचे, बट उनके हेल्थ पर अफेक्ट हो रही है तो यू नो ही शुड टेक इट अ बिट ईजी एंड काम डाउन। वो 5 बजे उठ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा सुना है मैंने, लोगों का सामान भी चेक करते हैं। तो हुआ ये था एक बार एक्चुअली उनके कैप्टनशिप टास्क के दौरान ये हुआ था कि एजाज भाई को फुल कॉन्फिडेंस था कि अभिनव भाई उनके कैप्टनशिप में बाधा डालेंगे या रोक टोक करेंगे, तो उन्होंने 5 बजे सुबह उठकर अभिनव भाई के ट्रिमर्स छुपा दिए एंड बोला कि अगर अभिनव ने मुझे ड्यूटीज करने से मना कर दिया या मेरे कैप्टनशिप में बाधा डाली तो मैं उसके ट्रिमर्स उसको दूंगा ही नहीं। एंड अभिनव वॉज वेरी वेरी पोजेसिव अबाउट हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स, तो ये स्ट्रैटेजी कभी आगे नहीं बढ़ी, मगर ये जो 5 बजे उठकर इन्होंने जो फुल प्लानिंग प्लॉटिंग की वो बेकार गया, बिकॉज अभिनव भाई ने कुछ भी नहीं किया। एंड ये जो ओवर स्ट्रेसिंग का जो एक यू नो इनके साथ चलते रहता है, यही चीज़ मैं उनको कम करने बोलना चाहता हूँ कि यू नो आप ज़्यादा ही सोचते, 5-5 बजे क्या, मैंने 4-4 बजे उनको हॉल में ऐसे वॉक करते हुए देखा रात को, भूतों के जैसे वो वॉक करते हैं व्हेन ही वाज कैप्टन, क्योंकि वो सिर्फ अपने फोटो को देखते थे वो MPL कैप्टन बोर्ड पे एंड ही टू वॉक 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 ऑल नाइट। तो पता नहीं क्या हो गया था उनको, कैप्टनसी के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे कि यू नो कोई रूल तोड़ देगा, कुछ नियम उल्लंघन हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं सिवाय उनके हेल्थ की बैंड बजने की। तो आई नीड टू टेल हिम टू लाइक यू नो काम डाउन अ बिट बिकॉज़ वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते कभी। पर वो जाएंगे टॉप 5 में, आई थिंक सो टॉप 5 में आई थिंक आई सी एजाज भाई एंड पवित्रा, बिकॉज दोनों के गेम प्ले स्टाइल्स बहुत बिल्कुल ही अलग है एंड बिल्कुल ही सही लगते हैं मुझे। पवित्रा का एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है वो ये है कि वो सिर्फ रिलेशंस बनाना नहीं, रिलेशंस को टाइम पर तोड़ना भी जानती है, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है गेम में आगे बढ़ने के लिए। यू नो टू मेक अ रिलेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट टू ब्रेक अ रिलेशन एट द राइट टाइम इज इवन मोर सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको अगर आगे बढ़ना है आप वही पुराने रिलेशंस को अगर लेके चलेंगे तो आप बैग कहीं ना कहीं आपको यू नो एक बैगेज आ जाती है। एंड पवित्रा ने वो स्ट्रेटजी जान आपके लिए भी बोली गई, आपको याद है जब बॉक्स के बाहर रुबीना बैठी थी वो जैस्मिन को क्या बोल रही थी, आपने देखा वो वाला टास्क जब वो कह रही थी कि मुझे बताइए निक्की निक्की को छोड़ा उसने जब एजाज आया, एजाज को छोड़ा जब अली आया, तो जान की तो स्ट्रेटजी यही रही है कि दोस्त बनाओ छोड़ो, दोस्त बनाओ छोड़ो। अच्छा ये उनके बॉक्स टास्क में, बिकॉज सलमान सर ने इस पर मुझसे वीकेंड पर भी बात की थी रिगार्डिंग जरूरत की दोस्ती, आई थिंक वैसी कुछ था। यस, वो इसी के लिए की थी, वो वहीं से आई थी बात। हंसी की बात ये है कि ये जो भी बातें हुई है रिगार्डिंग यू नो जरूरत की दोस्ती, मेरे एजाज भाई निकी निशांत एंड ये मेरे काफी पहले से दोस्त रहे हैं, शुरुआत से ये मेरे दोस्त रहे हैं एंड मैंने इनके साथ कैप्टनसी के दौरान दोस्ती नहीं की। अक्सर एजाज भाई जब रेड जोन में थे तो रेड जोन से एजाज भाई के साथ मैं अक्रॉस बातें करता था, हम जब घर में थे तो हम बहुत ही क्लोज थे, हम कितना मजाक मस्ती पूरा टाइम करते थे
एंड वो कैप्टन तो बहुत बाद में जाके बने, जब मैं गया रेड जोन में उसके बाद, यू नो आई थिंक फिफ्थ वीक या जब आपने उनका बैग नहीं छीना। हाँ, तो आई थिंक वो कैप्टनसी तो उनको बहुत लेट मिली थी, मगर वो मेरे दोस्त काफी पहले से थे। रही बात निकी की, तो डे वन से वी बोथ हैड अ वेरी वेरी गुड फ्रेंडशिप इन द हाउस। जब मैं रिजेक्टेड जोन में था तो हमेशा निकी आके मुझे यू नो सब खाना, सब यू नो वट एवर आई नीडेड वो अंदर से लाकर मुझे देती थी। हमारी दोस्ती फर्स्ट डे से ही थी। एंड निशांत की बात करें तो निशांत को तो कैप्टनसी एक्चुअली मैंने ही दिलाई, मेरे वजह से उनको वो कैप्टनसी मिली, बिकॉज आई डिडंट थिंक कि यू नो कैप्टनसी मेरे दोस्ती से बड़ी थी। मेरे लिए निशांत बहुत एक अच्छा दोस्त था पहले, एंड उसके लिए सैक्रिफाइस करते वक्त मैंने दो बार सोचा भी नहीं कि यू नो आई शुड मे बी यू नो आई शुड टॉक टू निशांत और यू नो ऐसा कुछ। मैंने जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, एंड फिर वो कैप्टन बना। ऐसे तो फिर अली भी आपको स्नेक बोला था बाहर आने के बाद कि स्नेक होगा, जान होगा, मेरे को अगर पहले किसी को मारना होगा तो मैं जान को मारूंगा। अगर वो मारने वारने पे आ गए तो फिर इट्स दैट्स हिज लैंग्वेज। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इफ ही सेड दैट। मेरे इंटरव्यू में बोला था उन्होंने। हाँ ओके, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैंने काफी बार सुना है निशांत ने बहुत कुछ मेरे बारे में बुरा भला कहा है घर से बाहर आके। मैं यही बोलना चाहूंगा कि कुछ पॉइंट्स जो मैंने उनको घर के अंदर बताए थे जिस कारण से मैंने उनको रेड जोन में डाला था, वो मैं फिर से दोहराऊंगा। पहली बात तो मुझे उनमें जुनून और जज्बा दिखाने कैप्टनसी के टास्क में, क्योंकि उन्होंने बैग ऐसे ही सैक्रिफाइस कर दिया। दूसरी बात, जब वो कैप्टन बने तब बिग बॉस ने भी उनको यू नो निकाल दिया कैप्टनसी से, बिकॉज अपेरेंटली देयर वर सम रूल्स जो टूट गए थे। एंड तीसरी बात ये कि जो ऑफर्स और जो डीलिंग्स उन्होंने मेरे साथ करी, वही सेम चीज़ें उन्होंने राहुल के साथ भी करी, तो यहाँ पर उनका दोगलापन मुझे पकड़ा गया, मुझे दिख गया। एंड चौथी चीज़ ये कि जब मैं रेड जोन में ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में था, निशांत ने कैप्टनसी टास्क होने के बाद मुझे दिलासा या मुझसे आकर चीज़ें क्लियर करने के बजाय उसने मेरे साथ बात ही करना बंद कर दिया। एंड उन्होंने चूज़ किया कि वो नैना के साथ यू नो मेरे सामने से इग्नोर कर मुझे जाएंगे। आई डोंट थिंक दैट्स द मार्क ऑफ अ गुड फ्रेंड एट ऑल, बिकॉज अगर आप अपने आप को मेरा दोस्त बोलते हो तो मेरे डाउन टाइम्स में भी आपका मेरे साथ होना बहुत जरूरी है। एंड हाँ सॉरी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एजाज ने आपसे टॉयलेट सीट में हाथ डलवाया था, दो तीन चीजें हैं क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम लिमिट कम है। एजाज ने टॉयलेट सीट में हाथ डलवाया था, उसके बारे में जानना चाहूंगी, और दूसरा रुबीना अभिनव के बारे में आप क्या सोचते हैं? एजाज भाई ने जब मुझे टॉयलेट में हाथ डालने को बोला, वो उन्होंने एक कारण से बोला, आई थिंक निकी का आइडिया था ये, जहाँ तक मैंने सुना है बाहर आके। एंड निकी को ये बहुत अच्छे से पता है कि मुझे OCD है, मुझे क्लेंडलीनेस की डिसऑर्डर है, जिस कारण से यू नो मैं दिन भर अपने आप को सैनिटाइज करते रहता हूँ, हाथ हाथ धोते रहता हूँ। तो आई थिंक इस चीज़ पे वो लोग टास्क में अगर फरिश्ते और शैतानों में शैतान जो बोलता है वो अगर फरिश्ता नहीं करे तो फिर एक पॉइंट उनको जाता है। तो इसके चलते आई थिंक उनको यही लगा था कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा टास्क, इसलिए उन्होंने मुझे ये चुनौती दी कि टॉयलेट सीट में मैं अपना हाथ डालूं, जो बहुत ही गंदा टास्क समझता हूँ मैं, मगर इतना भी गंदा आपको गिरना नहीं चाहिए, मगर वो हुआ। एंड जब वो मौका मुझे दिया, वो चुनौती मुझे दी गई, तो मैंने उसको पूरा भी किया, विच वॉज एन इवन बिगर शॉक फॉर देम। ये चीज़ टास्क के दौरान हुआ, सो आई थिंक आफ्टर दैट हमारे बहुत झगड़े भी हुए एजाज भाई और मेरे, एंड बातें उधर ही ख़त्म हो गई। तो टास्क के दौरान काफ़ी आउट ऑफ हैंड चले जाती है चीज़ें, बट इट्स द रिलेशन दैट मैटर्स एंड हाउ मच आर यू विलिंग टू गो टू सेव दैट रिलेशन। सो आई थिंक एजाज भाई इज़ वेरी डियर टू मी, एंड उस कारण से मैंने उनके साथ जाकर बात की। और रुबीना अभिनव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि रुबीना जो है उनका गेम बाहर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। राहुल एंड वहां पर ही मेरी लिस्ट खत्म हो जाएगी, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे रुबीना एंड अभिनव भाई का जो गेम है वो बहुत कपल ओरिएंटेड लग रहा है, बहुत घर घर टाइप लग रहा है, बिकॉज हमेशा हमने देखा है कि अभिनव भाई बच जाते हैं नॉमिनेशन से, एंड रुबीना इज द वन जो नॉमिनेट होती है, एंड कई मौकों पर अभिनव भाई के वजह से वो नॉमिनेट होती है, अभिनव भाई को इम्यून करने के लिए वो नॉमिनेट होती है। सो आई थिंक शी इज़ डेफिनेटली अ पब्लिक फेवरेट, उनका गेम शायद बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा पब्लिक को रुबीना का। बट रही अभिनव भाई की बात, तो मुझे ये लग रहा है कि वो रुबीना के आड़ में अपना गेम आगे बढ़ा रहे हैं, एंड वो जो आगे चल रहे हैं वो बहुत साइड साइड से बच बच के निकल रहे हैं। बट आई थिंक कल ये भी बात आई,
ये ट्रेंड चेंज हुआ बिकॉज वो नॉमिनेट हो गए फर्स्ट टाइम इन 7 weeks, 8 weeks ही वॉज नॉमिनेटेड ना. उन्होंने कभी रेड जोन देखा है, हमेशा सेफ खेलते गए एंड रुबीना उनकी वजह से रेड जोन गई है. सो आई थिंक अभिनव भाई का गेम इज वेरी वेरी आई फील इम्प्रैक्टिकल एंड आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज ही नेवर हैड वन ऑफ दोज मोमेंट्स जहाँ पर वो पूरे घर के सामने एक ऐसा डिसीजन रखे जिससे सब उनकी वाहवाही करे या यू नो वन ऑफ दोज मोमेंट्स जब द एंटायर हाउस इज अफेक्टेड बाय वन डिसीजन दैट अभिनव भाई इज टेकिंग. अब तक मुझे वो मोमेंट्स उनमें बिल्कुल नहीं दिखे एंड मुझे वो बहुत बोरिंग से लगते हैं थोड़े. मैं एक्चुअली टॉप थ्री ही देखता हूँ, टॉप फाइव तक भी नहीं जाऊंगा मैं, बिकॉज मेरे लिए यही तीन इंसान है जो एक्चुअली मैटर करने लगे थे थोड़े बहुत. उसमें भी राहुल वाज टुवर्ड्स द एंड, वेरी वेरी एंड, बट एजाज भाई एंड पवित्रा हैव बीन अ कांस्टेंट सपोर्ट मेरे साथ थ्रू आउट द गेम. सो आखिरी में एक चीज जानना चाहूंगी, कुमार जी ने आज बोला है कि उन्होंने आपको नालायक नहीं बोला था और उन्होंने महेश भट्ट से भी मुलाकात कराई, वही हमने स्टेज पर भी देखा सलमान खान ने आपको बोला कि अकेले में जरूर आके मिलना, तो ये एक चीज तोहफे की तरह होती है कि आपने उतना बनाया कि सलमान खान खुद बोले कि आना मिलना मुझसे. तो और जो सलमान खान को थैंक यू बोलूंगा इफ ही इज वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज उन्होंने मुझे बिग बॉस से ज्यादा एक बड़ी ट्रॉफी दे दी है एंड वो है ये जो उन्होंने मुझे बोला. बिकॉज जो मेरे डैड बनने का भी कहा है आपको कि सुपरस्टार बनना है, बहुत प्यारी प्यारी बातें बोली एंड मैं उन सब बातों पर अमल करना चाहता हूँ, मैं उन सब बातों को हकीकत में बदलना चाहता हूँ. बिकॉज जैसा कि मेरे डैड ने जो वीडियोस बताए, एक्चुअली मैंने अब तक एक भी वो वीडियो देखा नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट भी करूँ तो सही नहीं होगा, बिकॉज मैंने जब मटेरियल देखा ही नहीं है तो मैं क्या ही आपको बोल पाऊंगा. रही बात सलमान, इंटरव्यू दिया था कि मेरे पापा से मुझे सिर्फ सरनेम मिला है उसके अलावा कुछ नहीं मिला, तो उसके जवाब में उन्होंने बोला कि मैंने आशिकी बंगलो दिया, महेश भट्ट से मुलाकात करा, इससे ज्यादा मैं क्या करता. महेश भट्ट एंड वो सब तो मैंने देखा नहीं अब तक, मैंने वो आर्टिकल्स नहीं पढ़े, मैं एक्चुअली आज ही मुझे ये सब पता चला. सो एक बार मैं पढ़ लूँ फिर मैं इस बात पे रिप्लाई आपको दे सकूंगा, बिकॉज मैंने अब तक ऑनेस्टली वो आर्टिकल्स नहीं पढ़े हैं. सो आई विल सी द इंटरव्यू, आई विल सी द मटेरियल, आई हैव अ वर्ड विद डैड डायरेक्टली, बिकॉज मुझे भी काफ़ी चीज़ें जाननी है कि उन्होंने क्यों किया जो भी किया एंड किस यू नो मे बी वट एवर हिज साइड ऑफ द स्टोरी इज, मैं शायद वो सुन के आपको. सॉरी But you are hurt. I felt bad, but I've been fighting all this since I was a child. So I felt bad, but I'm okay. I'm better. चलिए जान, हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत आगे बढ़े और कोई कुछ भी बोले, आप और आपकी मम्मी ने आपकी परवरिश बहुत अच्छी की है. Thank you so much. Thank you for having me. बहुत अच्छा लगा आपसे फिर बात करके. And I hope you all keep supporting me all throughout. All the best. My journey. Thank you.